ये पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमिता किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरे मटर के कुरकुरे पकौड़े, जो खाने में बहुत ही चटपटा है और आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पकौड़े बनाने के लिए हमने 1 कप हरा मटर लिया है। हमने हरे मटर को छीलकर उसके दाने निकाल दिए हैं। अब इसे हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और 2 मिर्च को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और ये हमने लिया है 7-8 कलियाँ लहसुन का, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और ये हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। और इसे हम बंद करके बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। इसे ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा ही पीसेंगे। और ये देखिए, इसे हमने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। मिक्सर जार को 2-3 बार 30-30 सेकंड तक रुक रुक के चलाएं, तो ये दरदरा पीस जाता है। इसमें एक एक दाना खड़ा रहता है तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। सारे हरे मटर को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और 1/4 चम्मच यानी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें हमें ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है क्योंकि इसके पकौड़े हरे ही अच्छे लगते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, इसे हम क्रश करके डालेंगे। अगर अजवाइन का टेस्ट पसंद करते हैं तो इसमें अजवाइन भी 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तो भी ये चटपटा बनेगा। और ये हमने लिया है बेसन, इसे हम 3 टेबल स्पून डालेंगे। और अगर और ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर डालेंगे। इसे अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और ये हमने लिया है चावल का आटा, इसे हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। इससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कच्चे चावल को थोड़ी देर भिगा दें और उसे पीसकर उसका पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं, तो भी ये क्रिस्पी बनेगा। 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर लें। और अब इसमें जाएगा ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। 1 बाउल हरा धनिया को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे डालेंगे। अगर हरा धनिया नहीं है तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, अभी इसे हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो 1/2 चम्मच पानी डाल देंगे, क्योंकि हरे मटर में इतना पानी रहता है कि ये बैटर अपने आप तैयार हो जाएगा। इसमें हमने बिना पानी डाले ही इसे मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, ये बिल्कुल सूखा है। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच पानी डाल दें। अगर ये सूखा रहता है तो पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। हमने पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा है और ये गर्म हो गया है। अब इसमें से हम 1 छोटा चम्मच तेल लेंगे और इसे हम बैटर में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देने से पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। बबल्स आ रहा है और ये ऊपर भी आ रहा है, यानी तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। पकौड़े आप छोटा बड़ा जैसा चाहें बना लें। गैस को हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखा है क्योंकि कोई भी पकौड़े हाई फ्लेम पे ही अच्छे बनते हैं। एक बार में जितने पकौड़े आ जाएंगे उतने हम डाल देते हैं। हमने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं। अब इसे हम इसी तरह 1-2 मिनट छोड़ देते हैं जिससे पकौड़े अच्छे से सीख जाएं। इसे हमने 2 मिनट छोड़ दिया था। अब ये एक तरफ हो गया है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम फ्राई करेंगे। इसे हमें अच्छा क्रिस्पी और हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ये देखिए, ये अभी हल्का ब्राउन हो गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है। देखिए, अब ये हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसके तेल हम अच्छे से छान लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी में हम और भी पकौड़े डाल के फ्राई कर लेते हैं। हम सारे पकौड़े डाल देते हैं। अब इसे हम 1 मिनट छोड़ देते हैं। अब ये एक तरफ हो गया है, इसे हम पलट देंगे और इसे हम अच्छा क्रिस्पी और ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
अब ये हो गया है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम और भी पकौड़े फ्राई कर लेंगे। और अब ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ा बन के रेडी है। इस समय हरे मटर का सीजन है तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।